नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। जहां झारखंड में एक तरफ झारखंड सहित पूरे देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है, वहीं पंडालों को लेकर अगर हम बात करें तो हर जगह पे रांची में हर जगह पंडाल, भव्य पंडाल बनाए गए हैं। चर्चा का विषय में एक ऐसा भी पंडाल है जहाँ पे कल्पना सोरेन की प्रतिमा बनाई गई है और उसके साथ कल्पना सोरेन के साथ विनेश फोगाट की अगर हम बात करें तो उनकी भी प्रतिमा बनाई गई है। वैसे हर वर्ष यहाँ पे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की प्रतिमा बनती है, लेकिन इस वर्ष आप सकते हैं कि कल्पना गांडे विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की भी प्रतिमा बनाई गई है। नीचे बैनर में भी पोस्टर भी लगाए गए हैं, उसमें साफ साफ अक्षरों में भी लिखा गया है कि पति के जेल जाने के बावजूद दुर्गा के रूप में विपक्षियों से लड़ी कल्पना सोरेन। रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दान दी थी, उसी को लेकर रोहिणी आचार्य, इससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि रोहिणी आचार्य जो है वो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उनकी भी प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। इससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि इससे पहले यहाँ पे लालू प्रसाद और उनके परिवार की प्रतिमाएं बनाई जाती थी, लेकिन इस बार जहाँ आप देख सकते हैं कि विनेश फोगाट की भी यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है और कल्पना सोरेन की भी बनाई गई है। जैसा कि वो विपक्षियों से लड़कर आगे बढ़ रही है, चाहे वो राजनीति में बात करें या फिर, और जैसा कि नवरात्र का महीना चल रहा है और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया गया है, और ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये नामकुम स्थित जय माता दी पूजा पंडाल की है जहाँ पे हर वर्ष कुछ अलग बनाया जाता है। और अगर हम पंडाल की बात करें तो गुफा के तर्ज पर यह पंडाल बनाया गया है, जैसे कि हर वर्ष अलग बनाया जाता है। और आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लालू प्रसाद, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी कि लालू प्रसाद की यहाँ पे प्रतिमा हर बार बनती थी और इस वर्ष भी बनी है। तो आप देख सकते हैं गरीबों का मसीहा, जैसा कि पोस्टर में भी लिखा गया है, गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, जैसे कि नौकरी बांटते हुए भी उनके हाथ में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है नामकुम स्थित जय माता दी दुर्गा पूजा पंडाल की है, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये तेजस्वी यादव की प्रतिमा बनाई गई है और उनके हाथों में जो बैनर है तेजस्वी यादव जी नौकरी बांटते हुए, जैसा कि लिखा हुआ है नियुक्ति पत्र की बात करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं राजनीतिक चर्चा के अलावा भी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे युवाओं की तस्वीर भी, प्रतिमा भी बनाई गई है, जैसे कि युवा नौकरी पुलिस का, नौकरी शिक्षक, युवाओं की भी यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है। और आप साफ देख सकते हैं इस बार जो है, इस बार का थीम काफी अलग बनाया गया है क्योंकि नवरात्र चल रहा है। नवरात्र के महीने में जैसे कि नौ दुर्गा देवी की पूजा की जाती है, उसी बीच यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को जो दिखाया गया है यहाँ पे इस पंडाल में, ये काफी अलग बना हुआ है, आकर्षण का केंद्र है। और जैसा कि विनेश फोगाट की आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिमा, और बैनर में भी लिखा हुआ है साफ अक्षरों में, विनेश फोगाट खिलाड़ी देश का मान बढ़ाया दुश्मनों से लड़ी। और जैसा कि अभी कांग्रेस नेत्री भी हैं विनेश फोगाट के साथ साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोहिणी आचार्य जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन्होंने अपने पिता को किडनी दिया था, उनकी बहादुरी को देखते हुए उनकी ये प्रतिमा बनाई गई है। और अगर हम कल्पना सोरेन की बात करें तो कल्पना सोरेन के बारे में हर कोई जान रहे हैं कि कैसे वो विपक्षियों से लड़के राजनीति में उतरी काफी मुश्किलों से, जैसे कि उनके पति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए, ईडी की दबिश लगातार उन पे जारी रही, उसके बावजूद भी वो लड़कर, अगर हम बात करें लड़कर या फिर एक महिला होने के नाते वो अगर आगे बढ़ रही है तो इसमें भी काफी सराहनीय माना जाएगा। उसी को देखते हुए इस पंडाल में, जैसा कि नवरात्र में नौ देवी की पूजा की जाती है, वही कहीं ना कहीं वुमेन, महिलाओं की बात करें, महिलाओं की बहादुरी को देखते हुए बात करें तो इस पंडाल में काफी आकर्षण चीज प्रतिमा जो है वो बनाई गई। और हम बात करेंगे इस पंडाल के पंडित जी से भी कि कल्पना सोरेन की जो प्रतिमा बनाई गई है उस पर लोगों का जो फीडबैक जा रहा है वो कैसा जा रहा है और कितने दिनों से यहाँ पे पूजा हो रही है। यहाँ 3 साल से पूजा हो रहा है और 3 साल से स्टार्टिंग से हमें लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा में अच्छा लगता है। यहाँ का अध्यक्ष विनोद सिंह जी जो है बहुत अच्छा है गरीब लोग के लिए, और कल्पना जी के जो बात आप बोले ये गरीबों के लिए दिखा दिया है देश के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, लड़की होकर क्या करना चाहिए, इसीलिए सबको अच्छा लगता है। तो सुना आपने यहाँ पे पंडित जी से कि 3 वर्ष से यहाँ पे पूजा की जा रही है और लगातार पूजा जैसा की जा रही है, और जो थीम है, थीम लोगों में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे जो थीम है वो वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाया गया है। हमारे साथ अभी पंडाल के अध्यक्ष विनोद सिंह मौजूद है, तो हम इनसे जानेंगे कि इस बार का जो थीम है वो क्या थी। इस बार का थीम है कि माँ दुर्गा लालटेन में विराजी है और माँ दुर्गा की पूजा शक्ति के लिए होती है, तो कलयुग है तो जो भी महिला
हमें उस तरह की लगती है कि शक्ति का कुछ काम की, तो इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर देखे लिखे पति को जेल जाने के बावजूद दुर्गा के रूप में पक्षियों से लड़ी श्रीमती कल्पना सोरेन जी, तो हम लोगों ने उनका लगाया है, मैया योजना का भी जिक्र किया है, जो लड़कियाँ उस तरह का काम करती है तो हम लोग उसका लगाते हैं। रोहिणी आचार्य जी का भी हमने लगाया है कि किडनी वगैरह दान दी थी अपने पिता को। विनेश फोगाट भी कितनी मुसीबत से ओलंपिक में खेली और फिर अभी तो विधायक भी बनी है, तो और दुश्मनों से लड़ी कितना प्रॉब्लम हुआ इनको, तो वो चीज़ हम लोग दर्शाए हैं। और कुछ अच्छा चीज़ को हम लोग दर्शाए हैं, जो डिप्टी सीएम तेजस्वी बाबू थे जो जब नौकरी बांटे थे लोगों को, तो वो चीज को भी हम लोगों ने दिखाया और लालू जी को भी हमने रखा है गरीबों के मसीहा। ये नारी का सम्मान सिर्फ 9 दिन नहीं कर, अपने घर की बेटी बहू वाइफ माँ सबको सम्मान देना है। हम लोग इसको बताना चाहिए कि जब वो हाउस वाइफ थी कल्पना जी घर में थी तो अलग थी, लेकिन जब वो मुसीबत उनके पति पे आया तो वो निकली, आज देखे गांडे से विधायक भी बनी और 5-5 को पूर्व मुख्यमंत्रियों को धूल चटा रही है हर जगह, मैया समान हुआ कितना इनका ये हुआ, तो किसी को कमजोर नहीं समझना है। नारी शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का सम्मान अपने घर में भी करना है। तो सुना आपने यहाँ, और लोग यहाँ पे दूर दूर से आ भी रहे हैं, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी है, क्योंकि जैसा कि अभी नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्र के समय में वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया गया है और उसी के साथ जो महिलाएं हैं वो कैसे कल्पना सोरेन, जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया कि कल्पना सोरेन कैसे लड़कर आगे बढ़ी है एक महिला होने के नाते, तो ये काफी सराहनीय भी माना जा रहा है, उसी को लेकर यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ विंग टीवी के साथ, सहयोगी राकेश के साथ मैं मुस्कान। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।